दोस्तों ये वीडियो आप लोग के कमेंट के ऊपर है। जैसे कि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि मैंने तत्काल टिकट बुक कर रहा था लेकिन वो वेटिंग चल गया, तो वेटिंग में क्या होगा, पैसा रिफंड होगा या फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं कैंसिल नहीं करता हूँ तो क्या मेरा पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने तत्काल टिकट बुक कर रहे थे और आपसे वेटिंग चल गया है तो क्या आप टिकट को कैंसिल करेंगे या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आपका पैसा रिफंड होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका 5 या 10 वेटिंग गया है तो दोस्तों आप उसको कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका टिकट वो कन्फर्म हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप कन्फ्यूज में रहना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बता रहा है कि कैंसिल का चार्ज काटेगा या फिर दोस्तों अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको पैसा जो रिफंड मिलेगा ऑटोमेटिक उसका चार्ज कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे अपना आईडी लॉगिन कर चुका हूं। अब दोस्तों यहां पे मैं माय अकाउंट पे जाता हूं, इसके बाद दोस्तों यहां पे माय ट्रांजैक्शन, इसके बाद दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाता हूं बुक टिकट हिस्ट्री पे। यहां पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि जो कि मैं एक तत्काल टिकट बुक कर रहा था जो कि वे वेटिंग चल गया। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं गंगा केवेरी का है जो कि ये वेटिंग लिस्ट कैंसिलेशन आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि दोस्तों ये खुद से हो गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे पीएनआर नंबर भी देख सकते हैं, और ये टिकट मैं दोस्तों यहां पे 30 दिसंबर को ही बुक किया था। तो दोस्तों ये मेरा टिकट वेटिंग में चल गया था। दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देखेंगे मैं यहां पे 2 नाम कर रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, मैं इसको कैंसिल नहीं किया हूं। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मेरा पेमेंट कटा है जो कि दोस्तों आप यहां पे देखेंगे 2118 रुपया, जो कि दोस्तों यहां पे टिकट फेयर यहां पे 2100 है, इसके बाद दोस्तों यहां पे जीएसटी है, इसको जोड़ के यहां पे 2118 रुपया यहां पे बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि मुझे एक कितना रिफंड आया है। यहां पे आप देखेंगे माई अकाउंट पे, इसके बाद यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे माई ट्रांजेक्शन, इसके बाद दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाता हूं टिकट रिफंड हिस्ट्री, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं जो कि ये गंगा केवरी ट्रेन वही है, आप यहां पे पीएनआर नंबर देख सकते हैं जो वहां पे पीएनआर नंबर था। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं रिफंड अमाउंट यहां पे 1980 रुपया मेरा अकाउंट में आया है, जो कि दोस्तों उसमें मेरा जीएसटी जोड़ के 2118 रुपया कटा था। तो दोस्तों आपको एक और बात को ध्यान रखना है कि जो जीएसटी चार्ज कटेगा वो भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको साफ तौर पे क्लियर कर दूं कि अगर आपका टिकट वेटिंग में चल गया है और आप उसको कैंसिल कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन दोस्तों आपका पैसा 100% कटेगा, पर व्यक्ति पे आपको 60 रुपया देना होगा। तो दोस्तों अगर आपका टिकट वेटिंग में चल गया है तो दोस्तों उसको कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो भी दोस्तों पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा लेट से आएगा। तो कैंसिल आप खुद से करेंगे तो उतना ही पैसा आएगा, और दोस्तों आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर आपका वेटिंग में गया होगा तो भी दोस्तों उतना ही पैसा आएगा कट के, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पे 60 रुपया कट के ही आएगा, तो आप अपना टिकट कैंसिल कर दीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैंसिल करने से और नहीं करने से कोई भी फायदा नहीं है, आप कैंसिल कर लीजिएगा अगर आपका टिकट वेटिंग में चल गया है तो, क्योंकि दोस्तों ये पैसा बहुत जल्द रिफंड आ जाएगा। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग का मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।